हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, तो जुड़े रहे इस वीडियो में मेरे साथ। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जहाँ पर मैं आपको JKSSB के रिलेटेड और जो बहुत सारे इसमें एग्ज़ाम होते हैं JKSSB के, उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, जो MCQs बेस्ड वीडियोस होते हैं, वो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, JKSSB के रिलेटेड वीडियोज़ जितनी भी होते हैं, जितनी भी नोटिफिकेशन होती है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ और मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा एग्ज़ाम जो होने वाला है 28 को, जो एग्ज़ाम होने वाला था कश्मीरी माइग्रेंट्स का, मगर कुछ एक रीज़न की वजह से उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। सिर्फ 28 मार्च वाले डेज़ को जो है पोस्टपोन किया। उसके बाद उसका जो एग्ज़ाम उसकी उस डेट को उन्होंने 5 अप्रैल को कंडक्ट किया है। बाकी जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो सेम का सेम ही रहेगा। तो इसके रिलेटेड जो वीडियोज़ मैंने आपको सुबह प्रोवाइड की थी, कल जो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, उस वीडियो के रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि क्लास फोर्थ में जो है आपको एडिट ऑप्शन मिलेगा। एडिट ऑप्शन मींस वहां पे आप प्रेफरेंसेस आपकी अपनी फिल कर सकते हो। उसके रिलेटेड आज का जो वीडियो रहेगा वो मैं बताऊंगा आपको, नोटिफिकेशन 3rd of 2020 के रिलेटेड रहेगा। और अगर आप जहाँ पर मैं देखो, मैं सीधा आपकी JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, तो जहाँ पर 3rd नंबर पर आपको दिख रहा होगा डेमो प्रैक्टिस टेस्ट लिंक फॉर CBT हेल्ड विद इफेक्ट ऑफ 28 मार्च to 4th of April, तो इस में क्या चीज़ है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो सीधे मैं आपको जहाँ पे ले आता हूँ, तो जहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हो आप, डेमो प्रैक्टिस टेस्ट लिंक फॉर द CBT हेल्ड विद इफेक्ट ऑफ 28 मार्च to 4th of April, तो 28 मार्च वाला जो एग्ज़ाम था वो मैंने आपको बोला ये पोस्टपोन हो गया है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स दैट द डेमो प्रैक्टिस टेस्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट, वो भी डेमो प्रैक्टिस जो टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होता है CBT, टू बी हेल्ड फ्रॉम 28 मार्च, क्योंकि ये थोड़ा पुराना है, 28 मार्च को नहीं होगा, 29 मार्च को होगा, टू 4th of April, ठीक है, इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये देखने को मिलेगा। फॉर दी कन्वेंस कैंडिडेट एक्सपीरियंस हु हैव अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 3rd of 2020 डेटेड 1st 12 2020, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर PM पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड नॉन कश्मीरी माइग्रेंट। तो लिंक जो ये एक्टिवेट हो चुका है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट लिंक जो है वो एक्टिवेट है, CBT में जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जी थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, अब मैं आपको थोड़ा इसकी डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे ही मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे दोबारा आता हूँ, तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो सबसे जहाँ पे इस पोर्शन में आपको लिखा हुआ दिखेगा डेमो प्रैक्टिस लिंक फॉर CBT एग्जामिनेशन, तो सीधा आपने जहाँ पे क्लिक करना है। और जब जहाँ भी क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो जहाँ पे आपने नेम डालना अपना और मेल आईडी, और जहाँ पे डेमो टेस्ट के लिए आपने जहाँ पे क्लिक करना है, तो नोट करना है आपने, प्लीज़ नोट जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ ओनली ए प्रैक्टिस टेस्ट, ये सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट है। दिस प्रैक्टिस टेस्ट इज़ प्रोवाइडेड टू मेक यू फैमिलियर विद द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देयरफॉर दिस क्वेश्चंस आर ओनली इंडिकेटिव्स, ठीक है। तो जहाँ पे इस के माध्यम से आपको समझ लग गई ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है, और जहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि ये लिंक एक्टिवेट है, 29 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो जहाँ पे आप करके, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, आप इस प्रोसेस से जहाँ तक पहुँच सकते हैं, नेम और मेल आईडी डाल के आप अपना जहाँ से प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट JKSSB की तरफ से। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।